तो शुरुआत कल्पवृक्ष ने इसी गांव में की थी 2007 में, इलोली गांव में। तो ज़्यादातर गाँव वालों को पता नहीं था और जागृति भी नहीं हुई थी इस कानून के बारे में। एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ ये भी हुई थी, उस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने गाँव वालों को नोटिस भी भेजी थी कि इस गाँव को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो लोगों को एक डर मन में पैदा हो गया कि अभी शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शुरुआत किया कि हमारे गाँव को इस गाँव इसी क्षेत्र से बाहर लेके जा रहे। फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 में आए उसी के तहत हम लोग 5-6 गांव में उसका जन जागृति का काम करते हैं। केलोली, भोरगिरी, भीमाशंकर के थोड़ा नज़दीक जो गांव है उसी के क्षेत्र में। तब लोगों को एहसास हो गया कि ये कानून हमारे लिए खुद के हक के लिए है, हमारे अधिकार के लिए है और इस कानून का हमें सख्त ज़रूरत है और इस कानून की वजह से हम लोग इस गाँव इस जंगल में रुक सकते हैं। वन हक्क कायद्याबद्दल आम्हाला एळूमध्ये एका ग्रामस्थाला माहिती नव्हती, संस्थेने आम्हाला वन हक्क कायद्याचं या जंगलाबाबतची सगळी माहिती दिली। तर 2-3 महिन्यांचं असं चाललं, त्याच्यामुळे मग आम्हाला त्यांच्यामुळे थोडे थोडे कायदे माहीत झाले, वन हक्क कायदा। पूरी टीम को ट्रेनिंग दिया था कल्पवृक्ष ने, तब ये बात थोड़ी आगे बढ़ पाई कि कानून के प्रक्रिया में कैसे जानकारी करनी है, कैसे कानून को फैलाना है, किस तरह से उसके सुझाव भी है, अंदर के कानून के क्या क्या प्रावधान हैं उसके ऊपर भी चर्चाएँ हुई थी उस प्रशिक्षण में। फॉरेस्ट वाले कभी गाँव वालों को समझ भी नहीं पाते थे और फॉरेस्ट गाँव वाले भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाते भी नहीं थे, कभी बातें भी नहीं होती थी। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग गाँव के अंदर आ गए तो गाँव के लोग घर के अंदर जाके छुप जाते थे। आम्हाला कसं माहीत झालं का बा आपल्यासाठी काय काय सोयीसुविधा त्याच्यातल्या जंगलामधल्या, आपण आपलं कुठकुठलं हक्क, त्याच्यामुळे त्यांच्यातून आपल्याला अंतर थोडक्यात कमी झालं असतं। गावालों के पास एक पारंपरिक जंगली जो औषधी जड़ी बूटियाँ वो बेचने का उनके पास पहले से नॉलेज था, लेकिन पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कभी उनको बेचने नहीं देते थे क्योंकि बोल रहे थे कि ये सब बेचना कानून के खिलाफ है, जो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके खिलाफ आप लोग जा रहे हैं। उसके ऊपर गाँव वालों के साथ बहुत रिश्वत भी लेने की कोशिश कर रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा रिलेशन बनने के बाद गाँव वालों को औषधि जंगल और जड़ी बूटियाँ बेचने का एक ताकत मिल गया और भीमाशंकर में अच्छी तरह से अभी बेच रहे। तो नई उपजीविका यही है कि अभी औषधि जड़ी बूटियाँ बेच रहे। जंगलातील मध गोळा करणे, हिरडा गोळा करणे, शिकेखाई गोळा करणे आणि अशा औषधी वनस्पती त्या गोळा करणे, त्याच्यावरती आमची उपजीविका चालते आणि त्याच्यावर रोजीरोटी म्हणून आम्हाला ते गोळा करावं लागतं। और येलवली के जो गाँव वालों को ज़्यादा ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और एक हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग हो या फिर FRA का ट्रेनिंग हो या फिर रैपलिंग का रिवर क्रॉसिंग के बारे में जानकारी हो, इको डेवलप में हमारा कैंपिंग साइट है वो कैसे चलाना है उसका ट्रेनिंग हो, उसकी वजह से ज़्यादातर गाँव इस डेवलप और गाँव के अंदर विचार बन पाया। और जंगल जे है तर ते संरक्षित म्हणजे तुमच्या ताब्यात राहावे म्हणून किंवा ते चांगलं राहावे म्हणून काही प्लॅन केलंय का तुम्ही? जंगल संरक्षणासाठी ना जंगलातील कुरडबंदी केली, शिकारबंदी केली आणि जिथे पक्ष्यांची जास्त गर्दी ज्या भागामध्ये जंगलातल्या त्या भागात जास्त वापर करणे, गुरं चरण्यासाठी वेगवेगळी हे ठरलेले ठिकाणं ठरलेले। तो शुरुआत में यही कमेटी बनी येलोली गांव में, धीरे धीरे जो आजू बाजू के गांव है उन्हें भी पता चला कि नहीं येलोली में कुछ अलग हो रहा है तो हमें भी उसके साथ जुड़ना चाहिए, और धीरे धीरे भोरगिरी के लोग भी हमारे साथ जुड़ गए और इस कमेटी का उन्होंने प्रस्ताव रखा है ग्राम सभा में कि हमारे गाँव में भी इस तरह की कमेटी बननी चाहिए। सामुदायिक वन हक्क मिळवण्यासाठी आम्ही भरपूर मीटिंगा केल्या, दाव्याची प्रक्रिया सुरुवातीला आम्ही जंगलात म्हणजे जेवढं याचं दावा जसं सादर करायचं त्या जंगलाच्याच प्रत्येक हद्दीवरती जाऊन पाहिलं, तिथून आल्यावरती गावात नकाशा बनवला त्या जंगलाचा, पायवाटा देवराया त्यांचं सगळं नकाशा बनवला, मग अर्ज भरला वयस्कर व्यक्तींचे हे घेतले आणि मग ते आम्ही सादर केलं। ग्रामविकास समिती म्हणजे गावाचं पर्यावरण आणि सबलीकरण हे गाव जंगल टिकवण्यासाठी एक समिती निवडली गेलेली, त्या समितीचे सदस्य निवडलेले त्यात आम्ही 14 सदस्य आहेत, तर ते वेळोवेळी मीटिंगा घेतात गावामध्ये, जंगल असं राखायचं तशी माहिती वगैरे देतात, जंगल तोडायचं नाही त्याच्यासाठी घेस अभयारण्य कोण आम्हाला आलेले आहेत आणि बंब देतात त्याच्यासाठी, कारण जास्त सरपण जळायला गेलं नाही पाहिजे, झाडांचं तोडलं नाही पाहिजे, तोडलं तरी एक झाड आपण लावलं पाहिजे असं त्याच्यामध्ये केलं गेलेलं आहे।
जायचो म्हटलं जा ह्याला चालेल. तो सशक्तिकरण की बात ये भी होगी कि बाहर के लोग इस गांव में आना शुरुआत हुए तो गांव वाले पहले जो बाहर के लोग आते थे डर के मारे घर के अंदर जाके छुप जाते थे. महिलाएं थी बाहर के लोगों के साथ बातें करना थोड़े लचकती थी और समझना उनके लिए मुश्किल था. कभी कभी हिंदी से बातें करना भी डर लगता था. ऐसे कुछ स्कूल आए जैसे विद्या वैली हो या फिर महर्षि कर्वे स्कूल जैसे हो तो उन्होंने गाँव के साथ एक जुड़ाव रखने के लिए गाँव हर घर के अंदर जाकर जानकारी ली बातें करना शुरुआत किया गाँव के साथ जो भी टूरिस्ट वगैरह आते थे तो उनके बातें करने से वगैरह खुद का डेवलप हो गया गाँव के अंदर के महिलाओं का वगैरह हो या युवाओं का वगैरह हो तो उस डेवलप हो जाने की वजह से एक ताकत बन गई. लोग जो बाहर के लोग आते थे अभी डरते नहीं खुलेआम बातें करते चर्चाएँ करते उनके साथ शामिल हो जाते और इकट्ठा होकर उनके साथ मिलजुल के बातें भी करते रहते. ज्यावेळेस आम्हाला ते पैसे मोजते ना त्यावेळेस आम्ही सर्व म्हणजे आपल्या गावामध्ये काय काय सोयी सुविधा पाहिजे ते आम्ही बसून चर्चा केली त्याची केलं ना म्हणजे लोक वगैरे येतात तिथे राहतात त्यांच्यापासून आम्हाला फायदा पण होतो ना म्हणजे मंजुरी पण भेटते आणि गावकीत पण पैसा सिलेक्ट करते तिथे. कसं मजुरी भेटते तुम्हाला तिथं म्हणजे आता ते लोक आले राहण्यासाठी इथं तर त्याच्यात कसं ते 10-15-20 लोक असतात त्याच्यात आमचे 4 मजुरदार असतात तिथं त्यांना जेवण करणं त्यांची देखभाल करण्यासाठी असं मग ते मजुरी पण भेटते त्यांना म्हणजे रोजगार उपलब्ध झाला. किसी का फोन आ जाता है टूरिस्ट का तो उन्हें पहले बता दे कि हमें 4 दिन पहले बता दीजिए मुझे. जब भी फोन आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ पूरे गांव में एक बार मीटिंग करता हूँ कि कितने लोग आने वाले हैं उनके लिए क्या क्या चाहिए खाने की चीज़ें क्या क्या लेके आनी चाहिए पूरा मटेरियल का प्लान और क्या क्या कितने पैसे खर्च हो जाएंगे उसका पूरा डिस्कस पूरे गाँव में मीटिंग में हम लोग करते. हमने थोड़े बहुत रूल बनाए हमने गाँव में इस टूरिस्ट के बारे में. हमारे पास 16 घर है अभी तक तो 16 घर में अभी क्या करेंगे कि आज 2-4 दिन में टूरिस्ट रुकने वाले थे पहले 2 दिन में 8 घर के लोग जाएंगे एक एक घर का एक एक बंदा जाएगा वही काम करेगा दूसरे 2 दिन में दूसरे 8 घर के लोग जाएंगे. इसमें से यही हमारा एक सुझाव भी था कि सभी को सेम और समानतर रोजी मिलनी चाहिए. हमारे पास एक कंप्यूटर भी जो हमारे फंडिंग आया था फंडिंग में से खरीदा था हमारे रिकॉर्ड भी रहते हैं उसके अंदर आज कौन 4 लोग गए कल कौन 4 लोगों को जाना चाहिए काम के लिए तो हम लोग उन्हें बता देते. टूरिस्ट जब आते हैं तो हम लोग यही सुझाव रखते कि आप जब आ रहे हैं तो कुछ गांव के लिए मत लिखे पैसे वगैरह वो नहीं चाहिए. हमारे पास आपके पास जो भी ज्ञान है वो हमारे गांव को देने की कोशिश कीजिए. जो भी हमारे पास है हम भी आपके पास देने की कोशिश करेंगे. हम लोग क्या कल्चर में जीते हैं क्या क्या करते हैं रानबाजी उत्सवाची कल्पना संस्थेने सांगितलं म्हणजे ह्या गावामध्ये भरपूर रानबाजी आहेत ते तुम्ही एकदा करून पहा. रानबाजी उत्सवामध्ये पहिल्या वर्षी म्हणजे काहीतरी 50 लोक आले होते आणि मग आता 100-150 लोक येतात. रानबाजी उत्सव पाहण्यासाठी जे पर्यटक येतात त्यांना आम्ही जेवण वगैरे देतो मग ते त्यांच्या ताटाचे जे पैसे भेटतात आम्हाला. एकदा पहिल्या सुरुवातीला जे आम्ही केलं त्याच्यात आम्हाला बक्षीस पण भेटलं होतं 5,000 रुपयाचं. हमारे पास एक ही है कि इकोटूरिज्म है और इकोटूरिज्म को थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए. एडवेंचर टूरिज्म भी उनके साथ बनाना है रिवर क्रॉसिंग भी थोड़ा उनकी वजह से बनाना है. तो दिक्कतें कभी कभी ये जाती है कि हमारे गांव में पास रोड नहीं है और पानी की बहुत समस्याएं हो जाती है तो पानी की वजह से हमें क्या करते हैं फेब्रुवरी के एंड में ग्रुप को रुकना पड़ता है टूरिज्म को. उसके बाद हम लोग ग्रुप को नहीं लेते क्योंकि हमारे पास खुद को पीने के लिए पानी भी नहीं बच जाता तो उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है. एक बार पानी की समस्या अगर छूट गई तो टूरिज्म थोड़ा हम लोग आगे भी लेके जाएंगे और गाँव लोगों को आगे और भी रोजी उसी टूरिज्म से मिल सकती है. बोरगिरी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है और आने जाने का कोई बस ट्रेल है जो पैदल चल सकते हैं. वो भी पहाड़ से चढ़कर ऊपर आ जाते हैं. टू व्हीलर वगैरह कुछ भी आती नहीं है. फोर व्हीलर तो कभी आएगी या नहीं आएगी हमें एक्चुअली पता भी नहीं है. हमारा भी अधिकार है कि हमें भी रोड शिक्षा पानी और लाइट की भी ज़रूरत है. अगर ये 3 चीज़ें गांव में हो तो गांव अपने आप डेवलप हो जाएगा और विचार भी शायद लोगों के बदल जाएंगे.